ये संयोग है कि प्रयोग है। जो महिला 8 नवंबर को जिसको जिस अदनंगी कपड़ों से अदनंगी, जुबान से अदनंगी, दिमाग से अदनंगी महिला को पद्मश्री से नवाजा गया, उसने आरोप लगाया कि देश में आजादी 1947 में भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली है। अब 14 में अदनंगा होने की आजादी मिली या अदनंगी को कपड़े पहनने की आजादी मिली? पद्मश्री ये नरेंद्र मोदी के बाप की धरोहर नहीं है। हमारे देश में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को पद्मश्री दिया जाता है और पद्मश्री उस अदनंगी औरत को दिया गया जिसने हमारे देश की आजादी के 90 साल के संघर्ष, अनंगी महिला के खिलाफ इस अदनंगी महिला का यह आरोप, हमारे देश की आजादी को भीख में मिला और देश की आजादी के नायकों को भिखारी बताने वाले के खिलाफ और इसको पद्मश्री देने वालों के खिलाफ आप उठ खड़े हो। भगवान राम की माँ बच्चलन थी, किसी और के साथ में बच्चा पैदा कराने वाली, ऐसा आरोप लगाने में तो भगवान राम के बाप को सवाल उठाना, उसकी माँ को बच्चलन बताना, भगवान राम की महिमा का गुणगान करने वाले तुलसीदास के कासगंज में 5.5 फीट के ऊंचे जवान को 2.5 फीट की टूटी पर लटका के मरा हुआ बता देना, ये सब क्रोनोलॉजी क्यों हो रही मैं बता। खेल ये है, अभी गुजरात के अंदर पहले 21,000 करोड़ रुपए, 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन पहले पकड़ी गई है और मैं कहना चाहता हूँ अभी 2400 करोड़ की हेरोइन फिर पकड़ी गई है। तो 2400 गुजरात स्मगलिंग का, ड्रग्स का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार न देने वाला, हमारे देश में सीमा पर चीन का कब्जा कराने वाला, राम को हराम की औलाद बताने वाले, हमारे देश की आजादी को भीख में मिला बताने वाले, देश में नफरत फैलाने वाले और देश में अजान और नमाज का खिलाफत करने का षड्यंत्र इसलिए किया जा रहा है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश एक ऐसी दशा में पहुंच चुका है जहां देश की आजादी को भीख में मिला हुआ आजादी बताया जा रहा है। राम दशरथ की औलाद नहीं थे, किसी और की औलाद थी, यह आरोप लगाया जा रहा है। राम की महिमा को दुनिया तक पहुंचाने वाले तुलसीदास की कर्मस्थली कासगंज में 5.5 फीट लंबे अल्ताप को 2.5 फीट ऊंची टूटी पर फांसी लगाकर जान देने वाला बताया जा रहा है और देश की सीमा पर चीन का कब्जा किया जा रहा है और देश की जनता को 3 गुने महंगे दाम पर पेट्रोल डीजल गैस से लुटवाया जा रहा है और देश का किसान सड़कों पर है, उनकी जान ली जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर मैं 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहले बात करूंगा। कौन लोग है जो ये इल्जाम लगा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, संयोग है कि प्रयोग है। हमारे देश में एक दिमाग से, जुबान से और कपड़ों से अदनंगी महिला है, उस महिला को 8 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से नवाजा गया और 8 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मोहन भागवत के चहेते संजय निषाद भाजपा के गठबंधन के नेता, उन्होंने कहा राम अपने बाप की औलाद नहीं था, राम किसी और की औलाद था, यह आरोप लगाया गया। और 8 तारीख को भगवान राम के गुणगान करने वाले, उनके आचार व्यवहार, उनके राजपाठ के गुणगान करने वाले तुलसीदास के कासगंज से 23 साल के अल्ताप को उठाया गया, उस पर एक लड़की भगाने का, लड़की से प्यार करने का, लड़की छुपाने का मुकदमा बनाया गया। 366-363 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये संयोग है कि प्रयोग है। जो महिला 8 नवंबर को जिसको जिस अदनंगी कपड़ों से अदनंगी, जुबान से अदनंगी, दिमाग से अदनंगी महिला को पद्मश्री से नवाजा गया, उसने आरोप लगाया कि देश में आजादी 1947 में भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली है। अब 14 में अदनंगा होने की आजादी मिली या अदनंगी को कपड़े पहनने की आजादी मिली, यह सोच का विषय है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सेवाल ये नहीं है, ये पद्मश्री ये नरेंद्र मोदी के बाप की धरोहर नहीं है। हमारे देश में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को पद्मश्री दिया जाता है और पद्मश्री उस अदनंगी औरत को दिया गया जिसने हमारे देश की आजादी के 90 साल के संघर्ष, आप 1857 से 1947 तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के सरदार पटेल तक, शहीद आजम भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक, जवाहरलाल नेहरू से सरदार पटेल तक और असंख्य कुर्बानियां हुई,
तब 90 साल में हमारे देश ने आजादी हासिल की उसको भीख में मिला हुआ बताने का मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर इन तमाम महापुरुषों को अशफाकुल्ला खां से लेकर के और तमाम मैं कहता हूँ चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, सबको गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल सबको भिखारी बताने का षड्यंत्र किया। इससे पहले तो मैं मेरे प्यारे देशवासियों, जो मानता है कि 1857 से 1947 तक 90 साल की आजादी की जंग के बाद देश को आजादी मिली, उन सबों से मैं अपील करता हूं, इस अधनंगी महिला के खिलाफ, इस अधनंगी महिला का यह आरोप हमारे देश की आजादी को भीख में मिला और देश के आजादी के नायकों को भिखारी बताने वाले के खिलाफ और इसको पद्मश्री देने वालों के खिलाफ आप उठ खड़े हो, मेरी इस आवाज को जन जन तक एक सुनो, घर घर तक पहुंचाने का काम करें, पहले ही बात यह करें। और जो उस अधनंगी औरत के साथ है, जो गौरों के मुखबिरों के साथ है, देश की आजादी के जंग में गौरों के मुखबिरी और दलाली करने वालों के साथ है, उसे कसम है वो दूरी बना करके रखे। मैं दूसरा सवाल करता हूँ, दूसरा महत्वपूर्ण, हमने सब लोग दशरथ नंदन जानते थे, दशरथ नंदन मानते हैं भगवान राम जो है दशरथ के पुत्र और कौशल्या माँ के बेटे थे, लेकिन पहली बार भाजपा के राज में ये पता लग रहा है कि दशरथ की पत्नी कौशल्या चरित्रहीन थी, उसने दशरथ की बजाय किसी और के साथ संबंध बना करके राम को जना है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे देश के भगवान राम, मैं वो हिंदुत्ववादी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुओं के भगवान राम, और मैं तो जहाँ रहता हूँ वहाँ सब लोग राम दुआ सलाम करते हैं आपस में, जन जन में राम, कण कण में राम, भगवान राम को और भगवान राम का अपने बाप की औलाद नहीं है ऐसा आरोप लगाने वाले, भगवान राम की माँ बच्चलन थी किसी और के साथ में बच्चा पैदा कराने वाली, ऐसा आरोप लगाने में जो लोग भगवान राम को अपने दशरथ नंदन मानते हैं, दशरथ पुत्र मानते हैं, माँ कौशल्या का सम्मान करते हैं, उन सबों से मैं अपील करता हूँ कि ये भगवान राम के नाम पर दंगे करा करके जय श्री राम बोलकर कत्ल कराने वाले, मॉब लिंचिंग कराने वाले, राम के मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करके हजम कराने वाले, राम के नाम पर 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे करके चिन्मयानंद के तरह नंगे हो जाने वाले, हमारे भगवान राम के बाप को भी बदलने का काम कर रहे हैं, भगवान राम की माँ के चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप सबों से मेरा अपील है, भगवान राम के अनुयायियों से मेरी गुजारिश है, उठ खड़े हो जाओ और राम के बाप को बदली करने वाले, राम की माँ के चरित्र हनन करने वाले, राम को अवैध संतान बताने वालों को सत्ता से बेदखल करो। और जो लोग ये मानते हैं कि हाँ राम की माँ बच्चलन थी, राम अपने बाप की औलाद नहीं था, उनसे मैं अपील करता हूँ वो दूरी बना के रखे। ये सवाल एक पत्रकार मित्र कर रहे हैं, महिला के चरित्र पर मैं बोल रहा हूँ, मैं महिला का चरित्र मैं गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ, पर मैंने जो देखा सोशल मीडिया में और बहुत प्रमाणिक, हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं श्याम सिंह रावत, उनकी मैंने फेसबुक पे उनका उन्होंने जब पोस्ट किया और मैंने देखा, मैं यकीनी तौर पर कह रहा हूँ, मैं यकीन नहीं कर रहा था कि ऐसी अधनंगी औरत को भी कोई पद्मश्री से नवाजा जा सकता है, लेकिन यह षड्यंत्र है। मैं आता हूँ तीसरी बात, भगवान राम का जो आप राम राज्य सुनते हैं, उसको लिखने वाले, उसको दुनिया को बताने वाले तुलसीदास जी के कर्मस्थली कासगंज में 23 साल के अल्ताफ को उठाया जाता है, उसकी 5.5 फीट की हाइट है और 3.5 फीट की ऊंची टूटी पर पुलिस उसको मरा हुआ बताती, आत्महत्या क्या बताती है। तो भगवान राम के बाप को सवाल उठाना, उसकी माँ को बच्चलन बताना, भगवान राम की महिमा का गुणगान करने वाले तुलसीदास के कासगंज में 5.5 फीट के ऊंचे जवान को 2.5 फीट की टूटी पर लटका के मरा हुआ बता देना, ये सब क्रोनोलॉजी क्यों हो रहे मैं बताता हूं आपको। इसका खेल क्या है, क्या कारण है कि आज आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश में सरकार अमृत महोत्सव मना रही हो आजादी का 75 साल, और देश में अधनंगी औरत को पद्मश्री से नवाजा जाता हो और वह अधलिंगी औरत इसको बीक में मिला हुआ बताती हो, इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। खेल क्या है, खेल यह है अभी गुजरात के अंदर पहले 21,000 करोड़ रुपए 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन पहले पकड़ी गई है, और मैं कहना चाहता हूं अभी 2400 करोड़ की हेरोइन फिर पकड़ी गई है। तो 2400 गुजरात स्मगलिंग का ड्रग्स का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है, उससे ध्यान भटकाने के लिए अरुणाचल की सीमा पर कब्जा कर लिया चीन ने, रक्षा मंत्री कहता है राजनाथ सिंह संसद में, अरुणाचल का सांसद कहता है संसद के अंदर
पेंटागन की रिपोर्ट कहती है, भूपेंद्र रावत कहता है देश की सेना चीन से कह रही है कि खाली कर दो वापस चले जाओ, और देश का एक गद्दार कहता है, देश का एक गद्दार जो मुनीमगिरी कर रहा है अदानी अंबानी के नरेंद्र मोदी, वह कहता है कोई कब्जा नहीं हुआ। जैसे पहले कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है, फिर बोलेगा ना कोई गांव बसा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ इससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। हमारे देश के किसान तीन काले कानून वापस कराने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए एक साल से आंदोलन कर रहे हैं। 700 किसानों की शहादत चली गई, उससे ध्यान भटकाने का है। नरेंद्र मोदी ने कहा हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, 2018 में 54 करोड़ रुपए लूट करके बेरोजगारों से SSC के पेपर क्लियर कर चुके हैं जो बच्चे 54,000, और उन 54,000 बच्चों ने लिखित टेस्ट भी पास कर दिया, उन्होंने फिजिकल टेस्ट भी पास कर दिया, मेडिकल टेस्ट पास कर दिया 2018 से लेकर आज तक। आज 13 नवंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, जंतर मंतर पर उनका धरना चल रहा था, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई। तो बेरोजगारों को रोजगार न देने वाला, हमारे देश में सीमा पर चीन का कब्जा कराने वाला, राम को हराम की औलाद बताने वाले, हमारे देश की आज़ादी को भीख में मिला हो बताने वाले, देश में नफरत फैलाने वाले, और देश में अजान और नमाज का खिलाफत करने का षड्यंत्र इसलिए किया जा रहा है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ कि अजान का विरोध करके धर्म मजबूत नहीं हो सकता, देश मजबूत नहीं हो सकता है। नमाज का विरोध करके देश की मजबूती नहीं मिल सकती है, देश की मजबूती मिल सकती है जो चीन ने कब्जा कर लिया उसे हटाया जाए, जो भगवान राम को अपने बाप की औलाद नहीं मानते हैं उन्हें सत्ता से बेदखल किया जाए, जो देश की आज़ादी को भीख में मिला हुआ बताते हैं उन्हें। और मैं फिर कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी और हे मोहन भागवत, मैंने पहले कहा था ये मोहन भागवत का DNA हिंदुओं से मैच नहीं करता है, ये नालायक हमारे भगवान राम को अपने बाप की औलाद न मानने वालों को अपनी पार्टी में शामिल कराता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हे नरेंद्र मोदी, अगर तुम भी मानते हो कि भगवान राम अपने बाप की औलाद नहीं है तो तुम निषाद संजय निषाद के साथ कायम रखो, तुमको एक वोट मिलने वाला नहीं है। और अगर तुम मानते हो हमारे भगवान राम दशरथ के पुत्र थे और उनकी पत्नी कौशल्या राम की माँ बच्चलन नहीं थी तो तत्काल संजय निषाद से इस्तीफा वापस समर्थन वापस लो और उसको जेल में डालो। और दूसरी बात कंगना रनौत, अगर तुम ये मानते हो कि आज़ादी भीख में मिली थी, देश के नायक भिखारी थे, तो तुम इस अतनंगी औरत के पास कायम रखो पद्मश्री, क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी तुम्हारे गिरोह को हम जेल में डलवाएंगे और यह अतनंगी औरत जेल में रहेगी। और अगर तुम मानते हो कि देश की आज़ादी का 75वां क्या कहते हैं अपना अमृत महोत्सव है और इस अतनंगी औरत ने झूठ बोला, तो पद्मश्री वापस लेकर इसे हथकड़ी लगा के जेल में डालो, देशद्रोह का मुकदमा बनाओ। और लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों, अगर भगवान राम को अगर भगवान राम को हराम का बताने वाले और हमारे देश को भीख में मिला बताने वाले नरेंद्र मोदी संघ परिवार पर मौन रहता है, तो समझ लो ये जो नकली हिंदू है ये हमारे देश में भगवान राम को कलंकित करने के लिए आए हैं और देश की आज़ादी की शान और देश की आज़ादी के नायकों का नाम बदनाम करने के लिए आए हैं, इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। अब बोलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।